सो दोस्तों, डाइक वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्माज, या मैग्माज होना चाहिए। तो वॉल लाइक यानी कि एक दीवार नुमा लावा जो सॉलिड हो चुका है, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइक। दीज आर मोस्टली परपेंडिकुलर टू द बेड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। बेड्स कैसे होते हैं? बेड खड़े थोड़ी होते हैं, बेड लेटे हुए होते हैं। ओके, तो बेड के परपेंडिकुलर यानी कि बेड के लंबवत कोई भी जो चीज़ होती है उसे, मींस कि अगर लावा होता है और वो ठोस हो चुका होता है तो डाइक कहलाता है डेफिनेशन के अनुसार। अब समझते हैं जल्दी से कि डाइक असल में क्या होता है। तो लावा जब ऊपर आता है तो कई क्रैक्स इस प्रकार की होती हैं कि वो परपेंडिकुलर होती हैं, मींस कि लंबवत होती हैं, यानी कि सीधी होती हैं। सीधी, ओके, सीधी मींस कि एक पेड़ होता है ना, पेड़ सीधा होता है, बिल्कुल सीधा पेड़। सोचो बैम्बो ट्री या बांस का पेड़ अपने दिमाग में इमेजिन करो, तो वो कैसा होता है? सीधा होता है। तो इसी प्रकार जब कई कोई क्रैक इस प्रकार का होता है कि वो लंबवत होता है बेड के या परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें जब मैग्मा सॉलिड हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डाइक बोलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर डाइक। और ये जरूरी नहीं कि ये सीधे परपेंडिकुलर ही हो, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, पर घुमावदार इसमें या इसमें मोड़ नहीं होते। ओके, होगा सीधा ही, तो ये होता है डाइक। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टूड इट वेल, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन शेयर माई वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर इट। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।